ये यात्रा है वृंदावन की बांके बिहारी जी की, तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। मैं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके, अपने दो दोस्तों पंकज और प्रवीण के साथ निकल गया वृंदावन धाम की यात्रा पर। यहाँ से हमने कलेक्ट किया अपने एक और दोस्त सुशील को। इसके बाद हम चढ़ गए डासना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे मथुरा की नोएडा की ओर, और भीगा भीगा सा ये मौसम, मस्त सुहानी सी हवा, इसके साथ ये भक्ति कीर्तन सुनते हुए आगे बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। इस भारी दुनिया में मेरा हमनवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा पर बरे आप हो, वो बंदा पर बरे आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना हो। राधा कीर्तन के बिना श्याम यात्रा बिल्कुल अधूरी है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। तो इसी भजन के बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने शुरू किया था सुबह 6:30 बजे अपना सफर, और तकरीबन 9:30 बजे या 9:15 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे वृंदावन। तो इस यात्रा में मैं आपको सिर्फ वृंदावन तक ले जाऊँगा, प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास पार्किंग में जहाँ हमने गाड़ी लगाई थी। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके देखिए। आइए शुरू करते हैं वापस इस भजन को, और आनंद लीजिए आप मेरे साथ इस यात्रा का। और ईस्टर्न पेरिफेरल वे से उतर के हम आ गए मथुरा एक्सप्रेस वे पे, जो परी चौक से आगे आपको मिल जाता है। और ये ब्यूटीफुल सी कार मेरे सामने जा रही थी, तो मैंने इसका वीडियो शूट किया। पर ये डीसी का, मतलब ये प्रॉपर किसी ब्रांड की कार नहीं थी, बस डीसी ने मॉडिफाई किया था इसे। और हमारे छोटे भाई पंकज इस सफर में नींद का आनंद लेते हुए भी एक लंबी गहरी नींद। अगले दिन वो कह रहा भाई ये कहाँ है, राजस्थान में काटे सुबह सुबह चाय की चुस्की। रास्ते के अगर सारे अनुभवों को रिकॉर्ड किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सीधे हम पहुंच गए वृंदावन की गलियों में, जहां चारों तरफ ब्रज की रज से आप माथे पर लगाकर जोर से श्री राधे राधे बोलते हुए
माँ के बिहारी की ओर बढ़ चलते हैं इन सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से पार्किंग में लगा के आपको पैदल सफ़र करना है। ये जमुना जी बराबर से बहती हुई, अद्भुत दृश्य जमुना जी का। दिल्ली में जो जमुना दिखाई देती है वो बहुत ही मैली कुचैली गंदी सी, पर यहाँ काफ़ी हद तक बहुत क्लियर क्लियर। राधे।